आखिर एनटीए के चेयरमैन को संरक्षण क्यों दे रही है सरकार? एनटीए के चेयरमैन के बीजेपी के साथ क्या कनेक्शंस हैं? आज उन कनेक्शंस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज पूरे भारतवर्ष में नीट परीक्षा की चर्चा हो रही है, उस नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले की चर्चा हो रही है और लाखों युवाओं के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ की चर्चा हो रही है। इसी बीच बात करेंगे कि आखिर सरकार एनटीए के चेयरमैन को क्यों बचा रही है, क्यों उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जरा मानिए, जरा आप इस तरह से सोच कर देखिए कि एक घोटाला होता है, किसी भी ऑफिस में होता है और उस ऑफिस के जो बॉस है, उसी बॉस को अगर उस घोटाले की जांच की टीम का मुखिया बना दिया जाता है तो आपको क्या लगता है कि इस घोटाले के पीछे छिपे हुए असली चेहरे और राज सामने आएंगे? बिल्कुल नहीं। जब वो व्यक्ति जिसकी एक जवाबदेही है, जिसकी एक जिम्मेदारी है और उसी पर गंभीर आरोप लगते हैं और आप उसी को उस मामले की जांच करने के लिए मुखिया बना देते हैं, तो आप जाहिर तौर पर आप उन लोगों को मूर्ख बना रहे हैं जो अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। खबर हाथ हिमाचल देखो और सुन रहे हैं आप और बोल विवाह की इस खास कड़ी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कड़ी में बात कर रहे हैं बीजेपी से एनटीए चेयरमैन का क्या कनेक्शन है और आज देश में जहां नीट के पेपर लीक की वजह से लाखों युवाओं का भविष्य बर्बादी की ओर है, लाखों युवा सड़कों पर हैं, लगातार अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं, उसी बीच आपको सरकार की एक और चाल से भी वाकिफ कर पाएंगे। कल तक हर जगह नीट की चर्चा हो रही थी, लेकिन आज जब आप सुर्खियां देखेंगे, आप न्यूज़ चैनल्स देखेंगे, आप न्यूज़ पोर्टल्स देखेंगे, तो अब चर्चा लोकसभा 18वीं लोकसभा का स्पीकर कौन होगा इस तरफ खिर गई। नीट की आज कोई चर्चा नहीं हो रही है, नीट पर कहीं आज कोई आप खबर नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि कैसे मूल मुद्दों से आम जनता को भटकाया जाए। महंगाई बढ़ती रहे लेकिन जनता महंगाई का जो है वो विरोध ना करे, बेरोजगारी बढ़ती रहे लेकिन युवा खामोश रहे, तो इस तरह की टैक्टिस जो है वो पहले भी आजमाई जा चुकी है और इस बार भी वही हो रहा है। एक एजेंडा सेट किया जा रहा है मीडिया के गलियारों में, एजेंडा ये है कि नीट से जैसे तैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। चलिए देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट जहाँ पर बात करेंगे बीजेपी के साथ एनटीए के चेयरमैन के खास कनेक्शन की। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा है। लोग नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि एनटीए के चेयरपर्सन कौन है, जिनकी अगुवाई में एनटीए नीट ही नहीं बल्कि देश भर की प्रमुख प्रवेश परीक्षाएं कराता है। आपको बता दें कि यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। प्रोफेसर प्रदीप जोशी एनटीए के चेयरमैन हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए के चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रोफेसर जोशी को अगस्त 2023 में एनटीए का चेयरमैन बनाया गया था। आपको जानकारी दे दें कि एनटीए चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल का होता है। इससे पहले प्रदीप जोशी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। यही नहीं, वह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में वह काफी प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्ति। कहाँ के रहने वाले हैं प्रोफेसर जोशी? प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई है। यहीं से एक कनेक्शन शुरू होता है, ध्यान से सुनेगा, कनेक्शन आपको समझ में आएगा। जोशी ने वर्ष 1977 में कानपुर विश्वविद्यालय से संबंध डीएवी कॉलेज से ही कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने 1981 में यहीं से पीएचडी भी किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वह सदस्य रहे। अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ वे जुड़े रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ही नहीं आरएसएस के साथ भी उनका गहरा नाता बताया जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के साथ ये जो कनेक्शन है महज कहने भर का या फिर बताने भर का कनेक्शन नहीं है। आरएसएस और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ एनटीए के चेयरमैन का संपर्क होना,
जाहिर करता है कि वो बीजेपी के बेहद खास हैं, बीजेपी के करीबी हैं और एक बड़े ओहदे पर जब वो हैं तो उन्हें उस ओहदे की गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक जवाबदेही, एक जिम्मेदारी के तौर पर नीट के तमाम उन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ हुए इस खिलवाड़ पे दो शब्द तो ज़रूर कहने चाहिए थे। उन लाखों युवाओं से एक माफ़ी तो ज़रूर मांगनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिलहाल इस कड़ी में आपको आगे भी और बहुत सी बातें बताएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये एक जाल बुना गया, ये एक चक्र ऐसा बुना गया। और आपको मैं हमेशा जब भी नीट मसले पे बात करती हूँ तो कहती हूँ कि आपको याद होना चाहिए कि ये ऐसा मसला था जो छात्रों की वजह से सामने आया। ऐसे बहुत से एग्जामिनेशन हैं जो एनटीए या फिर किसी भी संस्थान की तरफ से जब कंडक्ट कराए जाते हैं उनके पेपर लीक होते हैं, लेकिन वो सामने मसला नहीं आता है। बड़ी बात ये है कि 10 सालों से मोदी सरकार रही, तीसरी बार फिर से मोदी 3.0 एनडीए सरकार बनी है और अब ये संरक्षण की कहानी जो है वो लोगों को समझ में आना कहीं ना कहीं शुरू हो गई है कि आखिर एक चेयरमैन जिनकी एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का कार्यभार जो संभाल रहे हैं, आखिर उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों यह संरक्षण दिया जा रहा है। और आपका उनको संरक्षण देना इस बात पर मोहर लगाता है कि वो आपके करीबी हैं, आप उन्हें बचाना चाह रहे हैं या फिर उन्हें बचाने की जद में आप उन बड़े चेहरों को बचाना चाह रहे हैं जो चेहरे आपकी सरकार से जुड़े हुए हैं, जो चेहरे आपके संगठन से जुड़े हुए हैं, जो चेहरे आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। एनटीए पर गंभीर सवाल है। हर कोई एनटीए को कह रहा है कि इस एजेंसी को भंग कर देना चाहिए। शिक्षा मंत्री देश के धर्मेंद्र प्रधान बीते कल जब लोकसभा की उस शपथ ग्रहण समारोह में जहां वो चुनकर जाते हैं सांसद के रूप में, जब वहाँ पर शपथ लेने के लिए पहुँचते हैं तो उनके खिलाफ नारे लगते हैं। नीट नीट की आवाज़ जो है वो जो अब तक सड़कों पर थी वो भारतवर्ष की लोकसभा में भी गूंजती है। और इस तरह से ये अब बात तय है कि सरकार का संरक्षण एनटीए को विशेष तौर पर जो मिल रहा है बहुत सी ऐसी बातों पर मोहर लगाता है जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमें लगता है कि पारदर्शिता के साथ सारा सिस्टम चल रहा है तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरे नीट प्रकरण के मामले में जो माफिया है, पेपर लीक माफिया, वो खुलेआम कह रहा है कि मुझे किसी का डर नहीं है। और ये ऐसा उसका कहना इस बात पर मोहर लगाता है कि जो इस तंत्र को चला रहे हैं उसे उनका संरक्षण है क्या, वो किस बिना पर इस तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहा है, आखिर उसे सरकार प्रशासन या किसी भी व्यवस्था का कोई डर नहीं है या कानून व्यवस्था पर उसका कोई विश्वास या अपनी गलती का उसे कोई एहसास नहीं है। एहसास को तो चलिए छोड़िए, लेकिन यहाँ पर वो एजेंसी जिस एजेंसी के ज़रिए ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है और जिस एजेंसी का ये पूरा का पूरा जिम्मा बनता है कि इसे सही से सुचारू रूप से किया जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और पेपर लीक का पूरा भांडाफोड़ ये हुआ है। भारतवर्ष के लोग शायद बहुत ही सहज और सरल हैं, उन्हें ये टेढ़ी मेढ़ी बातें या फिर उलझाने वाली बातें समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ पर जितनी सरल चीज़ें दिखती नज़र आ रही हैं उतनी सरल है नहीं। सरकार का झुकाव एनटीए के प्रति, एनटीए के चेयरमैन के प्रति ये बताता है कि ये अपने आप में एक बड़ा विषय है और जिस तरह से एनटीए के चेयरमैन को लगातार संरक्षण मिल रहा है ये भी अपने आप में बड़ा एक कह सकते हैं कि बात। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार जब यूपीएससी का सदस्य प्रोफेसर प्रदीप जोशी को बनाया गया था तो उस समय उन्हें आरएसएस के एक व्यक्ति जो आरएसएस के पदाधिकारी थे उनकी तरफ से सिफारिश उनके लिए लगाई गई थी, ये मसला भी सामने आ रहा है। यानी कि बीजेपी के बेहद खास और करीबी रहे हैं प्रोफेसर जोशी। अगर यही कारण है कि सरकार की तरफ से उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है तो ये देश का दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है उस लोकतंत्र का जिस लोकतंत्र ने फिर से एनडीए की सरकार पर विश्वास जताया है। ये दुर्भाग्य है उन लाखों बच्चों का जिन्हें लगता है कि हमारी सरकार हमारे लिए काम करती है। ये दुर्भाग्य है उस व्यवस्था का जो व्यवस्था पारदर्शिता पर आधारित हुआ करती थी। ये धोखा है उस
तंत्र के साथ, जिस तंत्र के आधार पर हम कहते हैं कि हम आज़ाद देश के निवासी हैं और भ्रष्टाचार से हम लड़ने के लिए तत्परता से आगे रहेंगे। इतना बड़ा घोटाला, और इस घोटाले के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नौजवान होगा जो भविष्य में जब सोचेगा कि उसे किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, किसी भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, एंट्रेंस एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो उसके जहन में पेपर लीक नहीं आएगा। उसके जहन में पेपर लीक आएगा जब वो तैयारी शुरू करेगा, तब भी जब पेपर देगा, तब भी जब पेपर का रिजल्ट आएगा, तब भी। तो कह सकते हैं कि भारत सरकार ने भारत के लोगों के विश्वास को पूरी तरह से नोच दिया है। इस तरह से नोच दिया है कि अब जब वो अपने भविष्य की कामना करेंगे तो उन्हें डर सताएगा पेपर लीक का। फिलहाल बोल विभाग की इस कड़ी में आपको बता रहे थे कि एनटीए के चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप जोशी का बीजेपी के साथ क्या कनेक्शन है। आप इस कनेक्शन को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि हम तो गंभीरता से ले ही रहे हैं। इसी तरह से नीट परीक्षा से संबंधित, नीट पेपर लीक मामले से संबंधित जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। हो सकता है कि नेशनल चैनल्स आज एक एजेंडा के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन हम उन युवाओं की आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए खबर हाथ।